जिनकी जैसे हम लोग भी बात करी हुई कि ये कुंडलिनी है, ये चक्र है, ये नाड़ियां हैं, तो इसको हम लोग देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कहे कि हम ऑपरेट करेंगे और हम इन चीजों को देख पाए, वो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत की चीजें हैं। और मैंने बताया था इस सूक्ष्म तक पहुंच केवल योगियों की ही होती है। तो योग साधना के माध्यम से जो साधना करते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी को महसूस करते हैं, वो ही इन चीजों को जान सकते हैं। तो ये है क्या, आखिर ये सब चीजें हैं क्या? तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो मेरुदंड है, वो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, हम लोग उसको ऐसे ही देख लेते हैं। देखा जाए तो अगर एनाटॉमी की दृष्टि से देखें तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और उसी से ही सारी हमारी नर्व्स निकली हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सुना होगा हमारी बॉडी में कई जगह मर्म स्थल होते हैं, मर्म पॉइंट होते हैं। तो मर्म मतलब होता है सॉफ्ट एरिया। तो सॉफ्ट एरिया का मतलब यही नहीं होता है कि वहां पर सॉफ्टनेस होती है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वहां पर बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, वहां एनर्जी के कलेक्शंस होते हैं। तो हमारे शरीर में, हमारे सूक्ष्म विज्ञान में, हमारे सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर ऊर्जा के केंद्र हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मर्म स्थल है। एक्चुअली नाड़ी, कुंडलिनी, चक्र, ये सब हठ योग के टॉपिक्स हैं। हठ योग आपने पढ़ा होगा, हठ योग क्या होता है। तो हठ योग के अंतर्गत आपने इन चीजों को थोड़ा सा देखा होगा, या मैं भी शायद हठ योग के अंदर ही अंतर्गत ही मुझे टॉपिक पढ़ाने के लिए मिला होगा। तो ये हठ योग का ही एक पार्ट है, और हठ योग निकला है हमारे नाथ संप्रदाय से, हमारे तांत्रिक संप्रदाय से। तो उससे संबंधित ये साधनाएं होती हैं जिसमें हम ऊर्जा के प्रवाह को चैनलाइज करते हैं और अपने अंदर की सुसुप्त अवस्था में स्थित शक्तियों का जागरण करते हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइन अलग हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड अलग हो जाएगा, जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं या मेरुरज्जु बोलते हैं। तो वो स्पाइनल कॉर्ड, हमने देखा ना कि उसमें कम से कम 33 वर्टिब्रीज होती हैं। तो 33 वर्टिब्रीज में ऐसा हमारे योगियों ने महसूस किया है कि इसके अंदर की जो बनावट होती है, इसके अंदर की जो सूक्ष्म विज्ञान होता है, उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि 33 केंद्र ही ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियों का समावेश होता है। 33 कोटि के देवता, 33 देव शक्तियां, ये सब आपने सुने हैं। तो इनको यहीं पर पर्सोनिफाई किया गया है कि यहाँ पर ये शक्ति केंद्र हमारे उपस्थित होते हैं। और इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शक्तियां देवता में होती हैं, वही शक्तियां हमारे अंदर भी होती हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। ये सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, ये सोई रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ योगियों के अंदर ही होती है, ऋषियों के, हम सभी के अंदर ये चीजें होती हैं। जैसे अभी 2 दिन से हम लोग राजयोग के अंतर्गत धारणा ध्यान समाधि पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये चीज देख रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी ये है, उनके अंदर भी। अंतर ये होता है कि वो लोग साधना के माध्यम से उसको जागृत करते हैं, अपनी लाइफ के पाथवे को चेंज कर देते हैं, और हम लोग सिर्फ संसार में और यहीं पर लगे रहते हैं, जिससे हम इसको जगाना तो दूर, इसके बारे में जानकारी और समझ भी नहीं पाते हैं। तो होता सभी के अंदर है, बस आवश्यकता इस बात की होती है कि हम इसके जागरण की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। तो हमारी सुषुम्ना जो होती है, हमारा जो स्पाइन होता है, वहां पर ये सभी शक्तियां स्थित होती हैं। तो इन यहाँ पर बहुत, यहीं से बहुत सारी नाड़ियां निकलती हैं। जैसे हमने जितने कई प्रकार की हमारे हठ योगी ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों की बात की गई है, तो सभी प्रकार की नाड़ियां हमारे पूरे सूक्ष्म संस्थान है, पूरे व्यक्तित्व में बिखरी पड़ी हैं। लेकिन उन सभी नाड़ियों में से जो 3 नाड़ियां होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और उन्हीं नाड़ियों पर हमारा पूरा अध्यात्म विज्ञान टिका होता है। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत इसी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नाड़ी को देखते हैं, उसके बाद उसी के अंतर्गत चक्रों को देखेंगे, और उसके बाद फिर उसमें कुंडलिनी शक्ति को देखेंगे। तो हम लोग एक इमेज के थ्रू इसको देखते हैं पहले। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक
येलो कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं इसको इमेजिन करना है हमें हमारी स्पाइन में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो बीच की एक नाड़ी होती है ये सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है, और राइट साइड में होती है उसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट साइड में होती है उसको हम इड़ा नाड़ी कहते हैं। ये क्या है आप प्रत्यक्ष रूप में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें दो धाराएं होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और वो दो धाराएं मिलकर के जहां पर मिलती हैं वहां पर न्यूट्रल हो जाती हैं, और वहां पर एक विशेष शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, तो ये क्या है कि एक विशेष पावर हाउस से जुड़े हुए हैं, और वहां से ये ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसा कि बताया गया है, नाड़ी के बारे में, चक्र के बारे में और कुंडलिनी शक्ति के बारे में, ये तीन सब्जेक्ट हैं और ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो नाड़ी हो चाहे चक्र हो चाहे कुंडलिनी हो, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक कलेक्शन है जो कई स्थानों पर एकत्रित रखे हुए हैं, और विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से हम इनको जागृत करते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है। जैसे अभी 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं राजयोग, तो आपने फर्स्ट फर्स्ट पेपर में ये देखा होगा कि फंडामेंटल ऑफ योगा होता है, उसमें आपको योग के बहुत सारे टाइप्स बताए गए होंगे, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग। तो जो हम लोग अभी 2 दिन से राजयोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो मन का विज्ञान है, मतलब मन से शरीर पर पड़ने वाला। हालांकि होता उसमें भी यही सब है, ऊर्जा ही ऊर्ध्वगमित होती है, ऊर्जा ही हमारे शक्ति केंद्रों का जागरण करती है, और इसमें क्या हो रहा है कि शरीर से मन पर पड़ने वाला। अब जिस तरह से हमें मन नहीं दिखाई देता है उसी तरह से आप ऊर्जा को भी देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर पाते। तो जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लें, आप प्राणायाम कंटिन्यूस करें, मेडिटेशन कंटिन्यूस करें, तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर एक ऊर्जा तत्व तो बढ़ा हुआ है, हीटिंग बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, आप अपने आप को खूब एनर्जेटिक महसूस करते हैं, प्रतिदिन कितना भी काम कर ले, ये सारी चीजें किस बात को शो करती हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा का लेवल बढ़ गया। वो सब बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन जो योगी इसी साधना के ऊपर कि हमें अपनी इन आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण करना है, एक्सपेरिमेंट करते हैं और तपस्या में लग जाते हैं, वो इन चीजों को पूर्णतः जागृत कर पाते हैं और वो अपने आत्म तत्व का भी दर्शन कर पाते हैं। तो इस आधार पर जो हठ योग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो बताया गया है कि नाड़ी क्या होती है, सबसे पहले मान लीजिए इनको सुषुम्ना एड़ा पिंगला को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आप ये समझें कि नाड़ी क्या होती है। तो जैसे एक पाइपलाइन होता है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, एक तार होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसी तरह से आप ऐसे समझिए कि नाड़ी एक हॉलो पार्ट है जिसके अंदर से प्राण बह रहा है। प्राण आपने पढ़ा होगा, तो प्राण तत्व तो बह रहा है आपके इसके अंदर से, जो आपके अंदर प्राण का प्रवाह है वो बह रहा है, वो कंटिन्यूस बहता रहता है। 72,000 नाड़ियों का इमेजिनेशन किया गया है हमारी बॉडी में, तो वो कंटिन्यूस बहता रहता है। जैसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं ना कि सबसे मोटी एरोटा होती है, उसके बाद आर्टरीज होती हैं, उसके बाद और छोटी छोटी उसकी पतली पतली कैपिलरीज निकल करके चली जाएंगी, उसी तरह से ऐसे समझिए कि हमारे अंदर भी ये जो नाड़ी संस्थान है, जैसे एड़ा पिंगला थोड़ी थिक होती है तो इनसे रिलेटेड 14 नाड़ियां और थोड़ी थिन होती हैं, फिर और थिन होती हैं, और ये सारी हमारे पूरे अस्तित्व में, पूरे शरीर में, पूरे सूक्ष्म शरीर में बिखरी पड़ी रहती है, और इनमें प्राण का प्रवाह बहता रहता है। व्यक्ति जितना प्राणवान होता है उतना ही ज्यादा एक्टिव होता है, उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, और उतना ही वो इस अपने लिए भी और समाज के लिए भी और देश के लिए भी बहुत कुछ करते जाता है। तो जो भी महापुरुष हैं आप उनको ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इन ऊर्जा केंद्रों से प्रभावित थे और उनके अंदर ये जागरण था। तो इसको हमें समझना है कि ये चीज होती क्या है, इसको चलिए पहले हम इसमें देख लेते हैं कि नाड़ी जो है, नाड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है धारा प्रवाह, मतलब एक ऐसा हॉलो पार्ट जिसके अंदर से धारा प्रवाह हो रहा है। किस चीज का धारा प्रवाह हो रहा है? प्राण का, प्राणिक ऊर्जा का धारा प्रवाह हो रहा है। हमारे ग्रंथों के अनुसार, जो हठ योग के ग्रंथ है उसमें ऐसा बताया गया है कि लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं, और आत्मदृष्टि प्राप्त कर व्यक्ति प्रकाश धाम के रूप में इसको देख सकता है। अब ये फील किस रूप में होती है, जैसे इनका जागरण हो रहा है, तो जैसे हम लोगों ने राजयोग में देखा था
सत्वगुण बढ़ जाता है तो प्रकाश महसूस होता है, उसी तरह से इन नाड़ियों में प्राण बढ़ जाता है तो आपको प्रकाश महसूस होता है। इसको प्रकाश के रूप में आप महसूस कर सकते हैं। वर्तमान समय में जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि नाड़ी मतलब नर्वस सिस्टम, लेकिन नर्वस सिस्टम हम इसको नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है और नाड़ी शब्द हमारे सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड है। तो जैसा हमारा फिजिकल बॉडी है बिल्कुल वैसा ही हमारा सटल बॉडी भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। तो जैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी की साइंस है वैसे ही हमारी सटल बॉडी का भी साइंस है। तो उसी के अनुसार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें जो पूरी तरीके से प्रवाहित हो रहा है उसको हम नाड़ी कहेंगे। तो इस नाड़ी में क्या बह रहा है? प्राण बह रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि नाड़ियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 72,000 बताई गई है। किसी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताई गई है, शिव संहिता में 3.5 लाख बताई गई है। लेकिन इन सभी में से जो सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी होती है वो 3 नाड़ियां कही गई है, उकिड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन सभी नाड़ियों को मिलाकर जो सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां होती हैं, फिर और उनसे महत्वपूर्ण 14 नाड़ियां होती है, मतलब 3 सबसे महत्वपूर्ण होती है, उनसे थोड़ा कम महत्वपूर्ण 14 नाड़ियां होती हैं, और फिर उसके बाद तो पूरी बॉडी में बिखरी पड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए कि आर्टरी से रिलेटेड, एरोटा से रिलेटेड जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो वहां से निकल रही है वो थोड़ी थिक होगी, तो हम उनको उनके कई नाम दे सकते हैं, लेकिन जो कैपिलरीज हैं उनके नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो तो पूरी बॉडी में इतनी पतली पतली होके बह गई हैं कि उनको तो हम देख भी नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ नाड़ियां थोड़ी थिक होती हैं जिनमें प्राण को देखा जा सकता है, उनको उस आधार पर उनका नाम दिया गया है। तो प्रमुख नाड़ियां 3 होती हैं, बाकी 14 नाड़ियां भी कई जगह महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये 14 नाड़ियां हैं और जिसमें से 3 प्रमुख है, तो हमें प्रमुख रूप से 3 नाड़ियों को पढ़ना पड़ता है। ये 14 नाड़ियों के आप नाम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन 3 प्रमुख नाड़ियां होती है। तो इसमें इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जानते भी होंगे। तो जो अभी हमने आपको इमेज दिखाई थी एक, तो उसमें जो लेफ्ट साइड थी वो इड़ा नाड़ी थी और जो राइट साइड थी वो पिंगला नाड़ी। अभी क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो शरीर से और मन से दो चीजों से चलता है ना। एक फिजिकल बॉडी भी होनी चाहिए और एक चेतना के रूप में हम मन को ही समझते हैं या चित्त को समझते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का बराबर मात्रा में संचालन होता है, तभी हम इस चीज को, हमारा शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। तो यहाँ पर इन दोनों को जो आइडेंटिफाई किया गया है कि जो हमारे दाहिनी तरफ यानी कि हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी फिजिकल स्टेमिना को या फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी इड़ा नाड़ी है या जो लेफ्ट साइड में होती है वो हमारी मेंटल बॉडी या मेंटल स्टेमिना को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद ऐसा बोला जाता है कि लगभग 20 मिनट आपको बाई करवट लेकर के देखना है, लेटना है। तो योग के अनुसार क्या साइंस है कि जब आप बाई करवट लेकर के बैठेंगे तो आपका दाहिना स्वर चलेगा, जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है वो चलेगा, उसमें प्राण का प्रवाह बहुत अच्छे से होगा। और चूंकि हमने आपको बताया कि हमारा जो दायां स्वर है वो हमारी फिजिकल बॉडी के अंतर्गत हमारे जितने भी सिस्टम है इन सब से संदर्भित, इन सब से जो इसके जो भी ऑर्गन है उससे संबंधित हो जाएंगे, तो हमारा दायां स्वर जब अच्छे से चलेगा तो हमारे जो बॉडी सिस्टम है वो अच्छे से काम करेंगे, हमारा पूरा पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा, गैस्ट्रिक जूस अच्छे से निकलेंगे, जठराग्नि भी अच्छे से आएगी और हमारे भोजन का पाचन अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए खाना खाने के बाद बाई करवट लेटने के लिए कहा जाता है। जब आप सोते हैं रात को, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद जब आप सोते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको दाई करवट लेटना चाहिए, क्योंकि अगर आप दाई करवट लेटेंगे तो आपका बायां नोस्ट्रल ओपन होगा, बायां स्वर चलेगा, इड़ा नाड़ी चलेगी, और इन इड़ा नाड़ी जो है वो हमारी मानसिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका मन कैसा होगा? स्थिर और शांत होगा, तो जिससे आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उस समय हमें शारीरिक गतिविधि नहीं चाहिए, हमें मानसिक शांति चाहिए, शरीर भी शांत हो जाए और मन भी एकदम शांत हो जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि अगर आप दाएं करवट लेटते हैं तो आपका बायां स्वर एक्टिव होता है, तो आपको अच्छी सी नींद आती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे दाएं स्वर से और इड़ा नाड़ी है वो हमारे बाएं स्वर से संबंधित है। अब जैसे कि इड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, एक ये सेंटेंस ले लेते हैं कि इड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है। तो शीतलता का संबंध जिस दिश से है, जैसे चंद्र से है, शीत से है, कर्क
कफ से है, अपान से है, रात्रि से है, और शिव और शक्ति को जब हम देखते हैं तो शक्ति से है, जीव से है, तमस से है। तो इन सब चीजों को संबंध के आधार पर हम इनको ये कह सकते हैं कि एड़ा नाड़ी को इन और अन्य नामों से जानना जा सकता है। इसी के अपोजिशन में जब हम पिंगला नाड़ी की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सूर है, गर्मी है, पित्त है ना, समान है, समान वायु है, रात्रि की जगह दिन ले लेंगे, शक्ति की जगह शिव ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको एकदम अपोजिट कर देंगे कि एक चंद्र प्रकृति की है और एक सूर्य प्रकृति की है, एक ठंडी प्रकृति की है, गर्म प्रकृति की है। क्योंकि हमने देखा ना कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के कनेक्शन चाहिए। तो पॉजिटिव समझ लीजिए पिंगला नाड़ी और नेगेटिव समझ लीजिए एड़ा नाड़ी। आधुनिक विज्ञान के मतानुसार बाएं नासिका का ताप कम होता है और इस तरह तत्व पुरानी यौगिक पद्धति को प्रमाणित करता है। मतलब प्रेजेंट का जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, उसने बहुत सारे खोजबीन करके ये हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसमें जो प्राण प्रवाह हो रहा है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो यही बात हमारे योगियों ने भी कही है कि जो बायां स्वर है वो शीतलता का प्रतीक है। तो इसलिए बताया गया है कि जो साइंस है भले वो इन चीजों को एज इट इज ना माने, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे योगियों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इड़ा चित्त शक्ति का स्वरूप है, यानी मानसिक शक्ति का स्वरूप है, मन का स्वरूप है। तो मानसिक शक्तियों को एकाग्र करने, मन को स्थिर करने, है ना, इन सभी चीजों को नियंत्रण करने के लिए हम इड़ा शक्ति का जागरण करते हैं। अब हम यहाँ ये देखेंगे जैसे इड़ा का उद्गम स्थल रीढ़ की हड्डी का अधोभाग मूलाधार चक्र और इसका अंतर शीर्ष आज्ञा चक्र है। तो ये दोनों के लिए है, एड़ा पिंगला दोनों के लिए। तो हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से ये देखते हैं कि उद्गम स्थल जो है एड़ा और पिंगला नाड़ी की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, सबसे नीचे मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र जब आप चक्र पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ से ये शुरू होती है। तो जैसे ये देखिए, ये एड़ा लिखा हुआ है और ये पिंगला लिखा हुआ है, ये अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। तो जब ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ ये बढ़ते हैं, तो जिस स्थान पर ये क्रॉस होते चले जाते हैं, है ना, जिस स्थान पर भी क्रॉस होते चले जाते हैं, जहां पर ये मिलते हैं, तो उस स्थान पर फिर से ऊर्जा के केंद्र स्थापित होते हैं और उन्हीं को चक्रों का नाम दिया जाता है कि ये अलग अलग चक्र होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से मूलाधार क्षेत्र से इनका ओरिजिन हो रहा है और ये एक तरह से जिग जैग वे में इस तरीके से ये चल रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पर जहां जहां ये मिल रहे हैं वहीं वहीं पर हम चक्रों का इमेजिनेशन भी करते हैं कि यहाँ पर चक्र होंगे। चक्र भी क्या है, चक्र भी ऊर्जा केंद्र है। चक्र भी क्या है, चक्र एक ऊर्जा केंद्र है। तो इस तरह से ये यहाँ पर स्थित होते हैं और ये एक नीचे से चलते हुए, नीचे इनका मूल केंद्र बताया गया है, उद्गम स्थल बताया गया है, और निवेश कहाँ होता है, आज्ञा चक्र के बाद। आज्ञा चक्र के बाद फिर इसको एकदम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर पहुंच करके आज्ञा के बाद जब ये सहस्रार में पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा एक ऐसा प्रकाश, ऐसा स्थिति होती है कि वहां पर जाकर के इनको अलग अलग पूरी तरीके से नहीं देखा गया है, क्योंकि सहस्रार रूप में 1000 कमल दल खिल जाते हैं। वहां पर कमल दल क्या होते हैं अभी हम चक्र पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो इसलिए वहां पर इसको ये कहते हैं कि इनकी जो इनका जो मिलने का एरिया है वो केवल आज्ञा चक्र तक ही देखा गया, यहाँ तक ही इसको महसूस किया गया। तो इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर होता है, एड़ा और पिंगला दोनों का ही मूलाधार क्षेत्र से, और इनका जो निवेश होता है वो कहाँ पर होता है, आपके ऊपर की तरफ स्वाधि सहसार चक्र पर। यही बात इसमें बताई गई थी। एड़ा का उद्गम स्थान रीढ़ की हड्डी मूलाधार चक्र और इसका अंतर शीर्ष आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में ये डिजॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद ऊपर जा करके ये इतने ज्यादा प्रकाशित हो जाते हैं कि इनका अलग से ऐसा नहीं देखा गया है। मूलाधार से एड़ा बाई ओर से बल खाती हुई बिना किसी को स्पर्श किए स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत और विशुद्धि चक्रों को क्रमशः पार करते हुए अंततः ऊपर आज्ञा चक्र पहुंचकर विलीन हो जाती है। एड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में मस्तिष्क का दायां भाग क्रियाशील होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसके टू लोब्स होते हैं। बीच से अगर उसको कट कर दिया जाए तो उसके टू लोब्स होते हैं। तो यहाँ पर जाके हमने देखा ना कि वो किस तरीके से क्रॉस होकर के दूसरी तरफ चली गई। यहाँ पर जो आपने देखा था कि ये क्रॉस होकर के इस तरफ चली गई है ना। तो ये देखिए, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये एड़ा यहाँ से शुरू हो रही है, बाई तरफ से शुरू हो रही है, और ये क्रॉस होते हुए जाकर के दाई तरफ चली, इस तरफ चली।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम इड़ा को एक्टिवेट करते हैं, इड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का दायां भाग एक्टिव होता है, और जब हम पिंगला नाड़ी यानी दाई पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का बायां भाग एक्टिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, इसमें ये वाली बात इसमें एक बताई गई है। इड़ा सुषुम्ना की उपनाड़ी है, मूलाधार के बाईं ओर से निकलकर प्रत्येक चक्र से वक्राकार होते हुए आज्ञा चक्र की बाईं ओर इड़ा जाती है, और इसका रंग नीला होता है। इसके कलर को आइडेंटिफाई किया है, इसका कलर नीला होता है। अब इसके बाद पिंगला नाड़ी, तो पिंगला इसके अपोजिशन में बिल्कुल सेम उसकी स्थिति है। पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति प्रवाहिनी है, यह धनात्मक प्राण ऊर्जा प्रवाहित करती है। इसे सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरह से जो जो नाम आपने ऊपर पढ़े उसके अपोजिशन में हम इसको कह सकते हैं। सूर्य, ग्रीष्म, पित्त, प्राण, शिव, ब्रह्म, राजस, ये सारी चीजें हम इनको बोल सकते हैं। अगर हम इसको अपने नर्वस सिस्टम से देख करके देखते हैं, तो जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है किसी भी चीज को, और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो उस चीज को डाउन कर देता है। और दोनों जब बैलेंस में रहते हैं तभी हमारी शारीरिक गतिविधियां सही रहती है। तो इस आधार पर अगर हम उससे भी जोड़ना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अनुकंपी नाड़ी संस्थान है उसमें हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, और जो इड़ा नाड़ी है वो हमारे पैरासिंपैथेटिक को रिप्रेजेंट करती है। तो उससे भी जोड़ करके आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उसमें जो जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह से इसमें भी होते हैं। इसका रंग कैसा बताया गया है? लाल बताया गया है। पिंगला मेरुदंड की दाहिनी ओर के समूचे शरीर को नियंत्रित और नियमित करती है। पिंगला नाड़ी के प्रवाह काल में मस्तिष्क का बायां भाग क्रियाशील होता है। क्योंकि ये यहाँ से क्रॉस करके चले गए इसलिए ये यहाँ पर इसका अलग अलग होगा। अब इसमें आता है आपका सुषुम्ना नाड़ी। अब सुषुम्ना में क्या होता है? देखो, सुषुम्ना में क्या होता है, इड़ा पिंगला के अलावा एक और प्रमुख नाड़ी है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के मध्य से प्रवाहित होता है। यह महत शक्ति को ले जाने वाली वाली नाड़ी है। हम कह सकते हैं कि इड़ा पिंगला स्थूल शक्ति का निर्माण करती है तथा सुषुम्ना सूक्ष्म शक्ति का निर्माण करती है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी क्यों होती है? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के का जो सबसे अंतिम छोर होता है नीचे की तरफ मूलाधार केंद्र के पास, तो जो उसका सबसे अंतिम छोर होता है वो एक आकृति से इस तरह से लिपटे हुए रहती है। जैसे एक उदाहरण से आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि टेंट लगवाते हैं, तो टेंट में अब तो कई तरह की चीजें सामने आने लगी हैं, तो अब तो वैसा नहीं चलता है जैसे पुराने समय में चलता था। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि आप कहीं पर टेंट बांधते हैं तो एक कीला टाइप का, एक कीली टाइप का लगवाते थे, और उसकी जो रस्सी है उसको उन कीलों से चारों तरफ से बांध देते थे, जिससे वो टेंट उड़ नहीं सकता है और वो बंधा रहता है, और उसके नीचे हम आश्रय, जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ऐसा करते थे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे हमारे अंदर का जो प्राण है, जिसने सबसे महत्वपूर्ण प्राण जो, और सबसे ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सुषुम्ना में है। तो वो सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर भी तीन नाड़ियां होती है, ब्रह्म चित्राणी, वज्राणी और ब्रह्म नाड़ी। इसको बस आपको इमेजिन करना है कि चित्राणी, वज्राणी और ब्रह्म नाड़ी। और कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे केले का जो तना होता है, तो केले के तने को हम खोलते हैं, एक तने को खोला, फिर दूसरे को खोला, फिर तीसरे को खोला, ऐसे ही समझिए कि वो एक ऊपर राउंड सर्कल है, फिर उसके अंदर एक राउंड सर्कल है, फिर उसके अंदर एक राउंड सर्कल है लंबाई में। तो जो सबसे अंदर नाड़ी होती है वो ब्रह्म नाड़ी कहलाती है, और वो ब्रह्म नाड़ी ही कुंडलिनी शक्ति है। ऐसा समझ सकते हैं कि वो ब्रह्म नाड़ी ही कुंडलिनी शक्ति है। तो वो क्या होता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे उसका मूल स्थान है, तो यहाँ पर एक षटकोण टाइप का, एक ऐसा कुछ इमेजिनेशन किया है परमाणु के रूप में। ये इतना बड़ा साइंस है कि जिसको मतलब बिल्कुल साइंस की तरह है, जैसे अणु परमाणु जो आज के बाहर की दुनिया में, पदार्थ जगत में हम देखते हैं, उसमें कितनी ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी तक साइंस भी इसकी पूरी तरह से खोज नहीं कर पाए हैं। तो यही चीज जो हमारे चेतन जगत में है, हमारे ऋषियों ने साधना करके बताया कि इसी तरह की पावर हमारे अंदर की इस कुंडलिनी शक्ति के रूप में, ये जो अणु परमाणु के रूप में जिन चीजों से बंधे हैं या जो यहाँ पर हैं, उनमें भी इससे कई गुना ज्यादा शक्ति होती है।
इसीलिए तो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना विभूतियां, योगियों के अंदर इतनी सिद्धियां आ जाती हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी बाह्य जगत की, पदार्थ जगत की साइंस, अगर अणु परमाणु की पूरी ऊर्जा को जान ले, उसको महसूस कर ले, तो हम देखते हैं कि कितना कितना पावर आ जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। लेकिन लगे हुए हैं उस खोज में, तो उसी तरीके से हमारे अंदर ये जो अणु परमाणु के रूप में ये ऊर्जा केंद्र है, इनमें भी उतनी ही ज्यादा पावर होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि जो ब्रह्म नाड़ ही कुंडलिनी शक्ति है, तो ऊपर से उसको यहाँ पर नीचे की तरफ लाया गया और एक षटकोण टाइप का ऐसा कहा गया है कि एक कूर्म टाइप का, एक नीचे की तरफ एक ग्रंथि होती है, उससे उसको बांध दिया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि कीला से उसको बांध दिया जाता है, उसी तरह से एक कूर्म टाइप का या षटकोण टाइप का, ऐसा कई तरह से महसूस किया गया है लोगों ने, कि एक परमाणु होता है जिससे उसकी लास्ट टिप को बांध दिया जाता है। और जब हम उसको बांधते हैं तो कैसे बांधते हैं, 3.5 लपेटे देकर, ताकि ये गांठ खुले नहीं। और उसी को, जैसे आपने सुना ना कुंडलिनी शक्ति कैसी होती है, 3.5 लपेटे मारे वहां पर बैठी हुई है। और तो ये कुंडलिनी मतलब कि लोगों ने इसको सरपेंट पावर बोला है, तो सरपेंट पावर मतलब कि ये कोई सांप आप नहीं है, ये ऊर्जा ही है, और ये ऊर्जा इस रूप में यहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, सुषुम्ना के अंदर। सुषुम्ना के अंदर भी चित्राणि है, वज्राणि है, फिर ब्रह्म नाड़ी है, और उसमें ये कुंडलिनी शक्ति होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी होती है, जिसमें खूब सारी सूक्ष्म शक्ति स्थित होती है, और हठ योगिक साधनाओं के माध्यम से हम इसको जागृत करते हैं तो ये गांठ खुलती है, और फिर ये ऊपर की तरफ ये ऊर्जा चलती है। तो सांसारिक लोगों में भी, सब में ये चीज होती है, और हम सभी के अंदर प्राण तो है ना, प्राण को महसूस करते हैं कि हम जिंदा है, हम काम कर रहे हैं, हम क्रियाशील हो रहे हैं। और इसी प्राण को जब योगी जन बढ़ा लेते हैं अपने अंदर के सूक्ष्म केंद्रों को जागृत कर लेते हैं, तो वो खूब ज्यादा प्राणवान बन जाते हैं, और फिर उस प्राण का सहारा लेकर के वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। छोटी मोटी चीजों में आप भी इसको महसूस कर सकते हैं। हम लोग जो योग करते हैं, योगासन करते हैं, जो लोग जितना ज्यादा प्राणायाम करते हैं, जितना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, वो हम आम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अलग होता है, और उससे भी ज्यादा जो करते हैं वो उससे भी अलग होते हैं। तो ये अंतर कहाँ आ रहा है, ये अंतर यही आ रहा है कि ये अपनी इन प्राणिक शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। तो प्राणिक शक्तियों के रूप में हमारा एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सुषुम्ना है, ये बिल्कुल सुप्त अवस्था में रहती है, और नीचे ये 3.5 लपेटे बांधे रहती है, और इसके नीचे ये मूलाधार क्षेत्र में होती है, यही मूल केंद्र है। मूलाधार क्यों कहते हैं, ये मूल केंद्र है, और यहाँ पर बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें भी अवरोध के रूप में जमी रहती हैं जिनको हटाना होता है। तो जब हम इड़ा और पिंगला को एक्टिव करते हैं, प्राणायाम कंटिन्यूस करते हैं, हठ योग में सबसे बड़ी साधना इसकी प्राणायाम ही बताई गई है, कि जब हम प्राणायाम करते हैं और मुद्राओं के माध्यम से और बंध के माध्यम से ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं, तो ये मूलाधार क्षेत्र में ये कुंडलिनी शक्ति पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और वो गांठ खुल जाती है, यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो जितने चक्र हैं उनको जागृत करती चलती है, तो चक्रों की भी ऊर्जा जागृत होती चली जाती है, और ऊपर जाकर के ब्रह्मरंध्र में समाधिस्थ हो जाती है, जहां पर ऐसा कहते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो यही, इसी को कुंडलिनी के रूप में बोला गया है। सुषुम्ना नाड़ी का दूसरा नाम ब्रह्म नाड़ी भी है। जैसे हमने आपको बताया कि सुषुम्ना के अंदर 3 केंद्र होते हैं, उनको उनमें जो ब्रह्म नाड़ी होती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सुषुम्ना नाड़ी चेतना का केंद्र स्थान है, अर्थात समस्त ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय चेतना का संचार सुषुम्ना द्वारा ही हो रहा है। हम सभी के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो इन्हीं प्राण शक्तियों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ये उतना नहीं जितना होना चाहिए, स्पेशली जब हम जागृत करते हैं तो और ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज बताई गई है, सुषुम्ना में ही मूलाधार से आरंभ होकर आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों की स्थिति कही गई है। सुषुम्ना नाड़ी को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो कि 3 ग्रंथियां कौन कौन सी, तो ग्रंथियों का मतलब होता है गांठें, गांठों का मतलब होता है अवरोध। ठीक है, अगर धागे में गांठ है तो आप सुई में उसको डाल ही नहीं सकते, अवरोध हो रहा है, तो उन गांठों को पहले खोलना पड़ता है। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि जब सुषुम्ना ऊपर की तरफ चलती है तो उसके बीच में 3 अवरोध होते हैं, जिनको 3 ग्रंथि के रूप में बताया गया है। वो है विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और
विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि अलग अलग केंद्र में होती हैं। तो ये कहाँ पर होती हैं? यहाँ पर इसमें आप इस तरह से देखेंगे कि ये कहाँ पर होती हैं। ये मैंने एक इमेज दी थी इसकी, ये देखिए। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा बताया कि हाँ, कुंडलिनी को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे नीचे जो मूलाधार क्षेत्र है, अब जब जैसे ही उसने गांठ खोली भी, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी गांठ होती है, ग्रंथि होती है, वो भी तो एक ग्रंथि है। तो उस अवरोध को सबसे पहले खोलना है, तो वो कहलाती है ब्रह्म ग्रंथि। तो एक यहाँ पर एक अवरोध होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। फिर ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारे अनाहत क्षेत्र में हृदय के पास एक दूसरी ग्रंथि होती है, उसको कहते हैं विष्णु ग्रंथ। ठीक है, यहाँ पर भी एक अवरोध होता है। फिर जब हम और ऊपर चलते हैं तो आज्ञा चक्र में एक रुद्र ग्रंथि होती है, और जब रुद्र ग्रंथि ओपन हो जाती है, फिर सभी अवरोध दूर हो जाते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन या शिव का शक्ति से मिलन हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन ग्रंथियां जो हमने देखी, ये तीन तीन प्रकार की यहाँ पर ये ग्रंथियां होती है। तो केंद्र से मूलाधार चक्र या ब्रह्म ग्रंथि तक आपकी एक ब्रह्म ग्रंथि कहाँ पर होती है? मूलाधार केंद्र में, मूलाधार क्षेत्र में, और मूलाधार क्षेत्र से आपके अनाहत तक क्षेत्र तक विष्णु ग्रंथि होती है, और विष्णु से आपके आज्ञा चक्र तक, मतलब हम आज्ञा चक्र में कह सकते हैं, यहाँ पर एक रुद्र ग्रंथि होती है। तो ये तीनों ग्रंथियों को, इन तीनों अवरोधों को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाते हैं। हठ योग के ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों का नियंत्रण एवं नियमन करती हैं। जैसे एड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना मुख नाड़ियां मानी गई है। एड़ा, नाड़ी, ये सब ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ पर समराइज किया गया है। तो ये तीन प्रकार की विशेष नाड़ी आपको समझ में आ गया। आपको मैंने इसमें ये बताया कि नाड़ी क्या होती है, नाड़ी के अंदर क्या चीज बहती है, प्राण बहता है जिसको आप ऊर्जा के रूप में महसूस कर सकते हैं, और नाड़ियां कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम बहुत बड़े स्तर पर देखें तो 72,000, 3.5 लाख, मतलब कई तरीके से अलग अलग हमारे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन उसमें से प्रमुख नाड़ियां 14 होती हैं, उसमें से और प्रमुख 10 होती हैं, और सबसे प्रमुख जो होती है 3 नाड़ियां होती हैं। और तीन में भी अगर कोई कहे कि सबसे प्रमुख कौन सी नाड़ी होती है, तो वो होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि उसी में ही जो कुंडलिनी शक्ति है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर ही उपस्थित होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चक्र क्या होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि मूलाधार केंद्र से लेकर के ऊपर तक छह छह चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, 7। एक्चुअली कई लोग सहस्रार, जो सहस्रार में पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि इसकी अनुभूति बताना पॉसिबल ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता है। तो 7 चक्र मानते हैं, कई लोग 6 चक्र मानते हैं, पर हम लोग यहाँ पर 7 चक्रों की, 7 चक्रों की ही चर्चा करें। तो चक्र क्या होते हैं, सबसे पहला प्रश्न होता है कि चक्र क्या होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के मूल तक, मूल से और उसकी जो लास्ट एरिया है उस तक पहुंचने के मार्ग में उसके 6 द्वार होते हैं, 6 गेटवे होते हैं, जिनसे वो क्रॉस करके जाती है। क्योंकि ये गेट खुलेंगे तो फिर आपको एक खजाना मिलेगा, ये गेट खुलेगा फिर आपको एक खजाना मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े खजाने हैं, है ना। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, आप ये देखिए कि जैसे कोई हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत जैसे ज्वेलरी होती है या बहुत ही महंगी कोई चीज होती है, तो हम लोग कैसे रखते हैं उसको? लॉक करके। लॉक मतलब इतना बड़ा लॉक कि लॉक के अंदर ऐसा कि कोई चोर अगर हमारे घर में आ भी जाए तो वो उसको ना उठा पाए, हम लोग उसको छिपा करके रखते हैं। तो इसी तरह से बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर ये बहुत बड़े खजाने, क्योंकि अगर हर कोई इसको जान ले, हर कोई इसको पहचान ले, तो कोई भी गलत काम भी कर सकता है। भाई हमें सिद्धि आ गई, हमें पावर आ गई, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इन खजानों को बहुत छिपा करके रखा गया था और छिपा करके रखा गया है। तो इनको खोलने के लिए, इनको ओपन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत ही तपस्या या योगाभ्यास कहलाती है, तब जाकर के हम इसको खोल सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से पहले ये पूरे 6 ताले हैं, ये 6 ऐसे दरवाजे हैं कि जिनको खोले बिना आप उस महान अनंत शक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। और इन तालों को खोलकर ही हम उन शक्ति केंद्रों तक पहुंच सकते हैं, और इन 6 तालों को या 6 इन द्वारों को एक तरह से षट चक्र का नाम दिया गया है कि षट चक्र कहलाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि, और ये चक्र कहाँ होते हैं, ये चक्र भी कहाँ होंगे, ये भी ब्रह्म नाड़ी में ही होंगे, है
ना, हम सुषुम्ना में इसको इमेजिन करते हैं, लेकिन सुषुम्ना के अंदर जो और अंदर एक ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जिसको हम ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, तो ये चक्र भी ब्रह्म नाड़ी में ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बात की मूलाधार क्षेत्र, जहां पर कुंडलिनी शक्ति है, जहां पर क्या है, कुंडलिनी शक्ति है, तो इसको मूलाधार चक्र या रूट चक्र कहते हैं। तो रूट प्लेक्सिस या मूलाधार इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मूल आधार में, जड़ में है ना, जहां पर रूट है, जहां पर जड़ है, जहां से पूरे वृक्ष का विस्तार हो रहा है, पूरे वृक्ष का ओरिजिन हो रहा है, तो उसको हम रूट कहते हैं। तो यहाँ से ही सारी नाड़ी संस्थान का ओरिजिन हुआ है, इसलिए रूट चक्र के नाम से जाना जाता है। मूल आधार मूल रूप में है, इसलिए मूल आधार। दूसरा होता है सैक्रल प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र, या इसको हम स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र की उसको क्यों कहा जाता है, अभी हम सिर्फ इतना इस इमेज में हम केवल इतना देखेंगे कि इनको ये नाम क्यों दिया गया है, फिर हमें चक्र का पूरा डायग्राम देखना है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इसको सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए स्व का अधिष्ठान, ऐसा हम समझ सकते हैं, स्व का अधिष्ठान। तो हमारे जो हठयोगी ग्रंथ है उसमें स्व यानी आत्म तत्व का स्थान नाभि से 9 अंगुल नीचे एक कंद क्षेत्र है, उस स्थान पर माना गया है। आपने हठ प्रदीपिका जब पढ़ी होगी तो उसमें आया होगा कि आत्मा का स्थान कंद क्षेत्र में माना गया है, तो वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्व का स्थान कहलाता है। इसलिए स्व अधिष्ठान, अब यहाँ पर कौन सा गेट लग गया, जो जहाँ पर जो स्व जहाँ पर स्थित है, हमारा आत्म तत्व स्थित है, इसलिए हम इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं या सैक्रल चक्र। इसके बाद आता है सोलर प्लेक्सिस, इसको हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, या इसको हम सूर्य चक्र भी कहते हैं। तो मणिपुर या सूर्य चक्र क्यों कहा जाता है, मणिपुर मतलब क्या हो जाएगा, मणियों का शहर। तो मणियों का शहर इमेजिन कीजिए कि कहीं एक ऐसा शहर है जिसमें खूब सारी मणियां रखी हैं, तो क्या हो रहा है, खूब सारा प्रकाश हो रहा है, प्रकाशित प्रकाशित एरिया हो रहा है, उसी तरह से सूर्य का जैसे प्रकाश होता है। तो हमारी पूरी पर्सनालिटी में जो हमारा डाइजेस्टिव रीजन है, नाभि क्षेत्र का स्थान है, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में अग्नि तत्व विद्यमान होता है, जिसको हम जठराग्नि कहती है ना, जिसको हम सभी तरह के जूसेस के रूप में, गैस्ट्रिक जूस या जो जो चीजें निकलती हैं, तो उन सभी को मिलाकर के हम जठराग्नि की जिसको हम संज्ञा देते हैं। तो इसलिए इस स्थान पर होने के कारण इसको मणिपुर चक्र या सूर्य चक्र या नाभि चक्र, ये नाम इसके बताए गए हैं। इसके बाद होता है हृदय क्षेत्र के पास होने के कारण इसका नाम होता है हृदय चक्र या अनाहत चक्र। अनाहत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली क्रियाशीलता कभी रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूस काम करती रहती है, कभी आहत नहीं होती है। तो हृदय देखिए, हृदय जो वर्क करता रहता है 24 आवर्स, बाकी सारी चीजें तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हैं कि रात हो रही है, सो रहे हैं, तो चलो हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हृदय तो पूरे टाइम कार्य करता रहता है, तो इसलिए वो हृदय की जो कार्डियक मसल्स है वो हमेशा काम करती रहती है। इस स्थान के पास होने के कारण इसको हम हृदय चक्र कहते हैं। आफ्टर दैट थ्रोट चक्र, थ्रोट मतलब विशुद्धि चक्र है ना, तो थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र से इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा गला जो है, गले के अंदर जो केंद्र है, वो एक ऐसा स्थान है जहां से शुद्धिकरण होता है। मतलब जैसे आप कोई भी चीज मान लीजिए खा रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे आप देखेंगे कि अगर खाने में आपका बाल चला गया या खाने में कोई भी छोटा मोटा कोई कीड़ा चला गया, तो आप देखेंगे कि आपकी जो फेरिंग्स है वहां से तो निकल जाएगा, लेकिन जब ये लैरिंग्स के पास मतलब इधर गर्दन में पहुंचेगा तो आपको अपने आप ही वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा विशुद्धि केंद्र है। यहाँ पर अधिकांशतः ऐसा होता है कि कोई भी गंदगी हमारे अंदर की तरफ नहीं जा सकती, तो कोई भी ऐसा सेंसेशन कि आप ले रहे हैं अंदर गया, तो वहां पर शुद्धिकरण का एक केंद्र होता है, इसीलिए इसको विशुद्धि चक्र के नाम से जाना जाता है, उस स्थान के पास होता है, इसलिए इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्लैंड, सॉरी मास्टर ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है बताइए, मास्टर ग्लैंड को कौन पिट्यूटरी सी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी पिट्यूटरी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो मास्टर ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, वो एक तरह से आज्ञा देती है। आज्ञा का मतलब क्या है कि जितनी भी बाकी हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो दूसरी ग्लैंड है उनको डोमिनेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कितने सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि TSH है और इस तरह से कि थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है कहीं दूसरे को, तो ये हमारी एक मास्टर ग्लैंड है। तो इसलिए इसको आज्ञा चक्र के रूप में कहा जाता है कि यहाँ से आज्ञा मिलती है, तो आज्ञा आज्ञा देने वाली ग्लैंड के पास स्थित है इसलिए इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र, इसको सहस्रार क्यों कहा जाता है, सहस्र मतलब होता है 1000, और जब यहाँ पर हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर चूंकि अभी आप देखेंगे कि इन सभी ये जैसे चक्र इसमें गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली जब ये जागृत होती है तो गोल गोल नहीं होती है कि कई आकृतियां होती हैं, कई चीजें बदलती हैं, तो उस आधार पर इनके कई दल होते हैं, मतलब कई इनके इस तरीके से दल के रूप में जैसे फ्लावर में दल होते हैं इस तरह से ये खिलते हैं। तो यहाँ पर पहुंच करके ये सहस्रार के रूप में मतलब हजारों दल यहाँ पर खिल जाते हैं इस तरीके से कि इमेजिन किया गया है कि आपका जो मस्तिष्क है वो जैसे कई उदाहरण अलग अलग तरीके से किताबों में दिए गए हैं, जैसे दिया गया है कि कोई चीज जैसे अजगर है, अजगर मुंह खोलता है तो जब मुंह खोलता है तो फिर कोई भी चीज आसपास की उसके अंदर आती चली जाती है, उसके मुंह में चली जाती है। तो ऐसे यहाँ पर समझिए कि हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो रहा है और शक्ति ऊपर जाकर के जब शिव से मिलती है तो यहाँ का जो एरिया है वो इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि इस तरीके से ओपन हो जाता है कि इस विश्व ब्रह्मांड में जो दिव्य प्राण ऊर्जा, जो दिव्य शक्तियां, जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि महापुरुष महान सिद्धियां, सिद्ध पुरुष जो घूम रहे हैं, या मूर्धा क्षेत्र में जब हम ध्यान करते हैं तो जो सिद्ध पुरुष घूम रहे हैं वो खिंचते चले जाते हैं, उनसे बात हो सकती है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उससे आपका कनेक्शन होने लगता है। तो ये क्राउन चक्रा के रूप में सहस्त्रार दल इसमें खेलते हैं इसलिए इसको सहस्त्रार चक्र कहा गया है। तो ये जो चक्र है ये कहाँ हो रहे हैं, ये हमारी सुषुम्ना के अंदर जो ब्रह्म नाड़ी है उसके अंदर ये स्थापित है। अब होता क्या है कि विभिन्न प्रकार की योगिक पद्धतियों के माध्यम से जब हम इनको जागृत करते हैं, जब इनका जागरण होता है तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये ऊपर की तरफ इस तरह से उठती है। तो जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो कई चीजें प्रकट होती हैं। क्या क्या चीजें प्रकट होती हैं, जैसे इनके कई दल होते हैं, इनके कई वर्ण होते हैं, कलर होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना कि सबके कलर 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 अलग अलग हैं, इनकी कई जैसे आकृति बन जाती है जिसको हम यंत्र कहते हैं, जैसे किसी जैसे ये गोल गोल इसमें दिख रहे हैं ये ऐसे नहीं होते, कोई चंद्राकार हो जाता है, किसकी चतुष्कोण आकृति हो जाती है, किसी की त्रिकोण हो जाती है, इन सभी में एक विशेष प्रकार का तत्व स्थापित होता है, तत्व बीज होता है, इनका एक देवता होता है, ये हर एक इंद्रिय से संबंधित होते हैं, तो इनका अपना एक पूरा का पूरा प्रत्येक चक्र का एक विज्ञान होता है। तो उस आधार पर उनकी सिद्धियां भी होती हैं कि ये चक्र जागने से ये सिद्धि प्राप्त होती है, ये चक्र जागने से ये सिद्धि प्राप्त होती है, तो इस तरह से होने लगता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको, हम इस तरह से देखेंगे, ये जो आप यहाँ पर ये इसको देख पा रहे हैं, इसको इस डायग्राम को हम देखेंगे, है ना। तो ये जो चक्र है, चक्रों के नाम हमने आप इसमें बता दिए कि इनको ये चक्र क्यों कहते हैं। अब स्थान के रूप में सबसे पहले आप केवल चक्र, अगर आपका टॉपिक चक्र है तो आप इस डायग्राम को याद कर लीजिए और इस डायग्राम को बना करके हल्का फुल्का इसमें एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो फिर आपका पूरा एकदम सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें वही चीजें बताई गई हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। बस मैं इसमें वो चीज नहीं लिखी है कि इसको ये चक्र क्यों कहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। जैसे स्थान है तो स्थान में आप क्या बताएंगे कि कौन सा चक्र कहाँ पर स्थित है, तो जैसे हमने देखा मूलाधार जो चक्र है वो हमारे हमारा जो पैल्विक रीजन है सबसे नीचे की तरफ जो एनस पॉइंट है, गुदा क्षेत्र है, यानी कि जननेन्द्रियां और गुदा क्षेत्र इन दोनों के बीच में एक स्थान होता है, उस स्थान पर मूल स्थान माना गया है नाड़ी संस्थान का, इसलिए उस स्थान पर ये होता है। तो जो मूलाधार चक्र है वो इसी स्थान पर होता है। इसके अलावा जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है वो पेड़ू के ऊपर, पेड़ू मतलब किसे कहते हैं हम, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके नाभि क्षेत्र से 9 अंगुल नीचे का जो स्थान होता है उस स्थान पर इसको हम मान सकते हैं कि ये वहां पर होता है, ठीक है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति यहाँ पर होती है, मणिपुर चक्र की नाभि क्षेत्र के पास, अराहत चक्र की हृदय क्षेत्र के पास, विशुद्धि चक्र की कंठ के क्षेत्र के पास, आज्ञा चक्र की भूमध्य में, और सहस्रार की मस्तिष्क में। तो ये इसका स्थान हो गया। अब इसके दल क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो चक्र होते हैं
वो एक प्रकार की सूक्ष्म नाड़ियां हैं, और जो कहां से ब्रह्म नाड़ी के मार्ग से गुजरते हैं, मतलब ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बने हैं। तो इन चक्रों पर, इन ग्रंथियों पर जब साधक अपना ध्यान केंद्रित करता है या उनको जागृत करता है, तो उनकी जो सूक्ष्म स्थिति है उसका एक बहुत ही विचित्र टाइप का अनुभव होता है। और ऐसा माना गया है कि वे जो जो अनुभव है वो ऐसा नहीं होता है कि गोल गोल घूमने लगा है, बल्कि उसमें से कई तरह की कोण निकलते हैं, कहीं पंखुड़ियां निकलती हैं। तो उसमें जो योगी है, जो साधक है, उन्होंने इस तरह से महसूस किया है कि इनकी जो पंखुड़ियां हैं या इनकी जो दल है वो महसूस की गए हैं। तो किसमें कितने दल महसूस की गए हैं, एक प्रकार की तंतु गुच्छक के रूप में हम समझ सकते हैं। तो किसमें कितने दल महसूस किए गए हैं वो दल के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मूलाधार में 4, स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्धि में 16, आज्ञा चक्र में केवल 2, और सहस्त्रार में 1000, 1000 लगभग। तो ये इतने दल, मतलब ऐसे इस तरह से ये खिलता है, जब फूल खिलता है तो इस तरह से ये खिलते हैं जब ये जागृत होती है। तो इसके अलावा वर्ण, सबका अपना अपना एक कलर होता है, सबका अपना अपना एक कलर होता है। कैसे होता है, क्योंकि ये इन सब, ये सब अलग अलग तत्व प्रधान होते हैं। जैसे नीचे लिखा है ना कि जो मूलाधार चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से चक्र में कौन सा तत्व तो स्थित होता है। तो जैसे मूलाधार चक्र है उसमें पृथ्वी तत्व होता है, और पृथ्वी तत्व का कलर जो है वो ग्रीन माना जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसमें ये गलत लिखा है, आप अपनी पेन से सही कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर जो स्वाधिष्ठान चक्र है यहाँ पर जल तत्व होता है, ठीक है। कौन सा तत्व होता है, जल तत्व होता है, और जल जल तत्व का कलर जो है वो ब्लू माना जाता है या ब्लैक माना जाता है, नीला ही अक्सर माना जाता है, तो यहाँ पर जल तत्व होता है। उसके बाद मणिपुर चक्र में कौन सा तत्व होता है, अग्नि चक्र होता है, और अग्नि चक्र का कलर रेड होता है, हमें पता है। उसी तरह से अनाहत चक्र होता है, उसमें वायु तत्व होता है, वायु तत्व का कलर पीला होता है, और विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व होता है, और आकाश तत्व का कलर एक धूम्रवर्ण, मतलब जैसे कि आसमान में धूम्रवर्ण जैसा कलर होता है, नीला सफेद, नीला सफेद, इस तरीके से ये माना जाता है। तो ये जो तत्व होते हैं उस स्थान पर, जैसे हमारा पूरा फिजिकली वर्क भी वहां चल रहा है, ब्लड गुजर रहा है ना, कई तरह से चीजें हो रही हैं। तो ये जो तत्व हैं, जब इन वहां से गुजरने वाले रक्त से या वहां के आसपास की छाया से टकराते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, तो उनके कलर बदल जाते हैं। तो इस आधार पर जैसे मूलाधार क्षेत्र का जो कलर महसूस किया गया है वो चूंकि वहां पर पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता, जब आपके जो पृथ्वी तत्व की प्रधानता जो वहां से निकलने वाले ब्लड से, ब्लड की छाया से या उससे कनेक्ट होता है, तो उसका कलर जो रक्तवर्ण या पिंक टाइप का, गुलाबी टाइप का, ऐसा कहीं पर आप गुलाबी शब्द सुन सकते हैं, तो इस तरह का महसूस किया गया है। उसी तरीके से जल तत्व जब उससे टकराता है तो उसका कलर सिंदूरी बताया गया है, अग्नि तत्व जब उससे टकराता है तो पीला महसूस किया गया है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग एक कलर के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे कि हर चक्र का अपना अपना एक कलर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है तत्व बीज। बीज क्या कहलाता है, बीज क्या होता है, जैसे आपने देखा कि जब एक बांसुरी से, जब आप बांसुरी में हवा फूंकते हैं या उसमें जिनको बजाना आता है वो बजाते हैं, तो हर एक छिद्र से एक स्वर का निर्माण होता है, एक स्वर निकलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो चक्र है वहां के दोनों तरफ प्राण वायु तो बह रही है, प्राण वायु तो उसको तो जागृत कर रही है। तो जब वहां पर वो वायु पहुंचती है तो इस तरीके से क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रवाहित होती है, और उन वो जो ध्वनि सुनाई देती है उन्हीं को चक्रों का बीज का नाम दिया गया है, तत्व बीज नाम दिया गया है। तो जैसे लम बम रम यम, ऐसी एक ध्वनि आती है, तो वही तत्व के बीज कहलाते हैं। तो ये जब लास्ट में हम पहुंचते हैं तो वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई देता है, तो इसलिए वहां पर विसर्ग बता दिया है, और जब हम आज्ञा क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर ओंकार सुनाई देने लगता है, क्योंकि ओम ही सबसे, हमारा जो ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि जो है या पहला जो शब्द है वो ओंकार ही है। तो वहां पर पहुंच के ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है, तो इसलिए यहाँ पर ओंकार कहा गया है। उसी तरीके से तत्व बीज के बाद वाहन की बात की जाती है। तो वाहन होता है इनका एक देवता होता है, ये अलग अलग अपने एक देवता से संबंधित होते हैं। तो देवता वाला तो नीचे लिखा हुआ है कि हर चक्र का संबंध किसी एक विशेष प्रकार की देवता से होता है, देवी देवताओं से होता है, क्योंकि सृष्टि की जितनी चीजें हैं हर चीज का कुछ ना कुछ संबंध
किसी ना किसी देवी देवता से है कि आपको अगर अपने अंदर की विद्या का जागरण करना है तो हम सरस्वती की आराधना करेंगे, आपको पावर की पावर लानी है अपने अंदर तो हम किसी दूसरे देव की आराधना करेंगे। तो इन कई तरह की बातों को लेकर के देवताओं का भी एक कनेक्शन बताया गया है। तो हर चक्र का अलग अलग देवता से होता है, तो ये इसमें देवताओं के नाम। वाहन का क्या मतलब होता है? वाहन ये होता है कि जब यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है चक्रों में, जो वायु की चाल हो रही है, प्राण निकल रहा है, तो उनकी चाल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे जैसे सबकी आकृति अलग है, सबकी जैसे कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कभी प्रवाहित नदी को देखा होगा, तो प्रवाहित नदी में कई जगह जहां पर नीचे से कुछ अवरोध आ रहे होंगे या नीचे गड्ढा होगा या जो भी होगा, तो कई तरह की भंवर बन जाते हैं, और कुछ भंवर उसमें गोल बनते हैं, कुछ लंबाई में बनने लगते हैं, कुछ दिखते भी नहीं है, कई तरह के भंवर बन जाते हैं। तो उसी तरह से आप ऐसा समझिए कि जहां पर ये चक्र स्थित है वहां से जो प्राण वायु गुजर रही है, तो इनसे जब उनकी टकराहट होती है तो उनकी अपनी एक चाल जो होती है, उनकी जो स्पीड होती है, कहीं वो एकदम स्पीड से निकलते हैं, कभी वो हाथी जैसी मंद चाल में निकल रहे हैं, है ना, कभी वो एकदम अंदर की तरफ घुस करके जा रहे हैं मगर की तरह, तो अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वहां एक मगर की जैसी आकृति बन जाती है, कहीं एक हाथी जैसी आकृति बन जाती है, कहीं एक मृग जैसी आकृति, जंप लगा कर तुरंत वो प्राणवायु वहां की चल रही है तो मृग जैसी आकृति बन जाएगी। तो इस तरीके से कई तरह की आकृतियां जो बनती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इस वाहन पर बैठ करके ये चक्र जागृत होता है, तो उसको उसके वाहन का नाम दे दिया गया है। तो उन चाल के अकॉर्डिंग जो वहां पर आकृति बन रही है, तो उसको उसके वाहन का नाम इस तरह से बताया गया है। और लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ आकृति नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है, केवल एक बिंदु रूप में पूरे ब्रह्मांड को हम देख पाते हैं। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब आप किसी में संयम करते हैं तो एक बिंदु के अंतर्गत ही आप पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु बचता है जिसमें हम पूरी तरह से समाधिस्थ हो जाते हैं। तो ये वाहन के अंतर्गत आता है। लोक, जैसे कि 14 लोक बताए गए हैं, तो यहाँ सप्तलोक के अंतर्गत सातों प्रकार के चक्रों का एक एक लोक से संबंध होता है। भू भुवा स्वा महाजना तपा सत्यम, ये सातों लोकों से इनका एक संबंध होता है। गुण, गुण मतलब की तन्मात्रा। तो जैसे ऊपर आप तत्व तो देख रहे हैं, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध होती है, जल तत्व की तन्मात्रा रस होती है, और अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप होती है, वायु की स्पर्श होती है, आकाश का शब्द होता है। तो इसी आधार पर आप इनके गुण या तन्मात्रा को लिख देंगे। जो ऊपर आपने पृथ्वी तत्व लिया है, तत्व के आधार पर इनकी तन्मात्रा को लिख देंगे कि हर चक्र का संबंध एक गुण से या एक तन्मात्रा से होता है। और जब हम आज्ञा चक्र में सहस्त्रार्थ में पहुंचते हैं तो वहां पर हम तत्वातीत होने लगते हैं। देखो इसमें लिखा है ना 4th नंबर के, उसमें लास्ट में सहस्त्रार्थ के उधर पे तत्वातीत है ना, तो वहां पर जब हम तत्व के परे हो जाते हैं, वहां कोई तत्व बचता ही नहीं है, पांचों तत्व समाप्त हो जाते हैं, तो वहां जब कोई तत्व बचता ही नहीं है तो फिर वहां पर इनके गुणों की भी चर्चा नहीं की गई है। उसके बाद एक यंत्र होता है, यंत्र जो मैंने बताया था कि जब ये प्राणवायु इससे गुजरती है, तो उसी तरीके से एक इनमें जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा समझिए कि जैसे अग्नि है, अग्नि जब जलती है या कोई ये दीपक जल रहा है तो उसकी जो ऊपर की तरफ लौ उठ रही है, तो उसमें हम एक आकृति देखते हैं ना कि नीचे की तरफ वो थिक होती है और ऊपर जाते जाते थिन होती चली जाती है। लौ जो है नीचे थिक होती है, ऊपर थिन होती चली जाती है, और जैसे ही उसमें हवा लगती है तो वो उसकी उसकी जो आकृति है वो भी चेंज होने लगती है। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं वैसे वैसे हम सूक्ष्माति सूक्ष्म होते चले जाते हैं, और जब सूक्ष्माति सूक्ष्म होते चले जाते हैं तो उसमें पहले तो इसकी आकृति हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि नीचे मोटा ऊपर पतला पतला, और वहां से जो वायु गुजर रही है तो वायु के गुजरने से पर्टिकुलर उस स्थान पर भी एक आकृति, एक स्पेशल टाइप की आकृति बनने लगती है जिसको यंत्र के रूप में बताया गया है। तो चतुष्कोण बनता है, कहीं अर्धचंद्राकार जैसी आकृति बनती है, कहीं त्रिकोण बनने लगता है, कहीं षटकोण बनता है, कहीं गोल हो जाता है, कहीं अंडाकार हो जाता है, और लास्ट में पूर्ण चंद्र के रूप में सब जगह एक ही चेतना व्याप्त हो जाती है। तो वहां पर कोई ऐसा यंत्र समझ में नहीं आता है, तो ये इसके यंत्र बताए गए हैं।
ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। हमें पता है कि हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं और पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। तो प्रत्येक चक्र का किसी ना किसी इंद्रिय से संबंधित होता है। जैसे हम ज्ञानेंद्रिय की बात करें, कर्मेंद्रिय की बात करें, तो जहां पर ये स्थित है वहां पर गुदा क्षेत्र है, तो इसलिए इस कर्मेंद्रिय से संबंधित है। और नासिका से, चूंकि पृथ्वी तन्मात्रा है, पृथ्वी तन्मात्रा का जो गुण होता है, जो विषय होता है, वो गंध होता है, और गंध का कयान हमें नासिका से होता है, तो इसलिए ज्ञानेंद्रियों में नासिका आ जाएगा। उसी तरीके से जो आपका दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, तो कर्मेंद्रियों की बात करें तो ये जननेंद्रियों से थोड़ी ऊपर की तरफ स्वाधिष्ठान क्षेत्र में होता है, तो हम इसको जो हमारी जननेंद्रिया है उस स्थान पर हम इसको मान सकते हैं कि इस कर्मेंद्रिय से ये संबंधित होती है। और ज्ञानेंद्रिय में कौन सी है, चूंकि जल तत्व प्रधान है, जल तत्व की तन्मात्रा रस होती है, और इसमें हम रस को, जल को महसूस कर पाते हैं, इसलिए रसना, यानी कि आपका जो जीवा है, जीवा से हम रस को महसूस करते हैं, तो जीवा की रूपी जो ज्ञानेंद्रिय है वो उसका संबंध इससे होगा। आप यहाँ पर जीवा लिख सकते हैं, रसना जो लिखा है, रसना मतलब जीवा, तो आप यहाँ पर जीवा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका कौन सा है, अग्नि मणिपुर चक्र, तो मणिपुर चक्र में, मणिपुर चक्र का संबंध किस चीज से होता है, आप अपने नाभि कर्मेंद्रियों के रूप में हमारा जो हस्त वाक गुदा शिश्न और पांचवी कर्मेंद्रिय कौन सी होती है, हाथ पैर, पांच जो कर्मेंद्रियां होती है वो कौन कौन सी होती है, किसी को याद है? यस मैम, चरण, चरण मतलब पैर, ठीक है, चरण लिखा हुआ है ना, चरण पैर, तो पैर, पैर से इसका संबंध होता है कर्मेंद्रिय का, कौन से से, मणिपुर चक्र का संबंध पैर से माना गया है कि हमारे पैर से इसका संबंध होता है। और ज्ञानेंद्रियों में नेत्र से संबंध होता है। इसके अलावा मणिपुर के बाद कौन सी आ जाएगी, अनाहत और विषुति, तो अनाहत का हस्त से होता है और ज्ञानेंद्रियों में त्वचा से होता है। और कर्मेंद्रियों में ये जो लास्ट चक्र कौन सा आ गया, विशुद्धि चक्र, तो विशुद्धि का वाक से होता है, गले से संबंधित है, तो कर्मेंद्रियों में वाक से और ज्ञानेंद्रियों में कर्ण से। और इसके बाद के जो है आज्ञा चक्र है और स्वाधिष्ठान चक्र, सहसा चक्र है, यहाँ पर हम इंद्रियातीत हो जाते हैं, क्योंकि पांच ज्ञानेंद्रियां होती है, पांच कर्मेंद्रियां होती है, और एक मन होता है, ये 11 हमारी इंद्रियां होती है, तो इंद्रियों के आधार पर जो कार्य चलते हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच करके तो हम इंद्रियातीत हो जाते हैं, फिर इंद्रियों से संबंधित नहीं रह जाता है, फिर केवल वहां पर चेतना बचती है, इसलिए यहाँ पर किसी इंद्रिय का नाम नहीं दिया गया है। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हमें पता है कि हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, तो ग्लैंड्स सबसे, ग्लैंड की शुरुआत ऊपर से, जैसे हम मान के चले कि नीचे से हम सोचते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, जो सेक्स ग्लैंड होती है, वो हमारी मूलाधार क्षेत्र में होती है। स्वाधिष्ठान क्षेत्र में जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, अधिवक्र ग्रंथियां, वो स्वाधिष्ठान क्षेत्र में होती है। इसके अलावा चाहे वो हमारी पैंक्रियाज हो, है ना, पैंक्रियाज जो होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में पैंक्रियाज ही ले सकते हैं ना, लीवर भी एक ग्लैंड है लेकिन वो बहिःस्रावी है, तो उसको हम एंडोक्राइन में नहीं ले सकते हैं, तो पैंक्रियाज को हम ले सकते हैं। तो पैंक्रियाज ग्लैंड जो है वो आपके नाभि चक्र में मान ली जाएगी। थाइमस ग्लैंड जो है वो आपके हृदय क्षेत्र में, हृदय चक्र के पास मान ली जाएगी, जिसको हृदय ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद आपका जो थायराइड ग्लैंड है, अवटु ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड हमारी विशुद्धि चक्र में है, तो इसको हम विशुद्धि चक्र में मान सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारी आज्ञा क्षेत्र में है, इसलिए हम इसको यहाँ मान सकते हैं। और पीनियल ग्लैंड है, हालांकि पीनियल के बारे में आपको पता है कि पीनियल के बारे में अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, साइंस भी एक स्टेज में आकर के उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर पहुंच करके सब कुछ डिजोल्व हो जाता है। तो मस्तिष्क, जिस तरीके से भौतिक जीवन में मस्तिष्क हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में हमारे सहस्रार चक्र का बहुत महत्व होता है, तो इसको हम पीनियल ग्रंथि से संबंधित मान सकते हैं। तो ये ग्रंथियों से आपने मान लिया। तंत्र आपका जहाँ जो तंत्र आ रहा है, जैसे कि मूलाधार क्षेत्र में हमने देख लिया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मूलाधार, और आपका स्वादिष्ठान चक्र, इन दोनों को ही हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत ले सकते हैं। फिर जब आप नाभि क्षेत्र में गए, तो वहां उसका संबंध डाइजेस्टिव सिस्टम से हो जाएगा, है ना। फिर आप नाभि क्षेत्र के बाद हृदय क्षेत्र में गए, तो वो उसका संबंध हमारे श्वसन तंत्र से या सर्कुलेटरी सिस्टम से हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप विशुद्धि चक्र में गए, तो इसका संबंध भी हमारे श्वसन तंत्र से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रॉस करके निकल रहा है। उसके बाद फिर आप जाएंगे आज्ञा चक्र में, आज्ञा क्षेत्र में,
तो वहां पर आज्ञा क्षेत्र और हमारा ये जो सहस्त्रार चक्र है, तो सहस्त्रार तो खैर अलग ही बात है, लेकिन आज्ञा चक्र तक का जो संबंध होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, क्योंकि यहीं से संवेदनाओं का आना जाना हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिस्टम के अंतर्गत भी इनको हम ले सकते हैं, और इन्हीं सिस्टम से संबंधित आप इन रोगों को भी देख सकते हैं। ये रोग जो है वो इन सिस्टम से संबंधित, और इनकी फलश्रुतियां भी आप जान सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चक्र पर्टिकुलर, देखिए कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ तो चक्रों का जागरण हो ही रहा है, लेकिन पर्टिकुलर हम एक चक्र पर भी ध्यान करके और उसका भी जागरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किस किसी को किडनी रोग है, या किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित रोग है, तो आप मूलाधार से संबंधित जो जो कॉन्सेप्ट है या जो जो प्रोसेस है, जैसे कि आप मूल बंद लगा करके रखिए, मूल बंद पर मूलाधार चक्र पर ध्यान कीजिए, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान कीजिए, तो इससे संबंधित ये यहाँ ये जो सिस्टम है और इस सिस्टम के जो ऑर्गन है वो ठीक हो जाएंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए किसी को हृदय से संबंधित बीमारी है, तो आप हृदय चक्र को जागृत कीजिए, हृदय चक्र को चैनलाइज कीजिए, तो उसके जागरण से हृदय से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये सारी चीजें ये है कि चक्रों के जागरण से, चक्र सूक्ष्म शरीर में है लेकिन अगर ये चीजें जागृत हो जाती हैं तो ये हमारे स्थूल शरीर पर भी प्रभाव छोड़ती हैं। तो जो मेंटल डिजीज है, जैसे आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो इन मेडिटेशन और प्राणायाम से बहुत सारी मेंटल डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, तो आप प्राणायाम वाली मेडिटेशन दो, ऐसी ऐसी प्रोसेस है कि अगर आप करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र इससे प्रभावित हो रहा है, और जब आज्ञा चक्र एनर्जेटिक हो जाएगा, उसकी ऊर्जा जागृत होगी, तो मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको वो दूर करेगा, तो इसके लिए बहुत लाभकारी होता है। उसी तरह से इसके फल है, अगर आपने पर्टिकुलर जैसे ये बताया गया कि किसी एक चक्र को खूब अच्छे से जागृत कर लिया, मान लीजिए आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया, तो आप वक्ता बन जाएंगे, विद्या विनोदी, मतलब आपको हमेशा ज्ञान प्राप्ति की तरफ आपका मन लगा रहेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप आरोग्यता को प्राप्त करेंगे, काव्य और लेखन में आपका मन लगेगा। तो जैसे कई लोगों को आप देखते हैं ना कि उनके अंदर हमसे अलग क्वालिटी होती है, कई लोगों के अंदर ऐसा काव्य लेखन होता है कि आप सोचते रहते हैं कि हम भी लिखना चाहें लेकिन हम तो लिख ही नहीं पा रहे, पर ये तो लिख लेते। तो कहीं ना कहीं उनकी ये ऊर्जा पहले से थोड़ा बहुत प्रभावित है, अगर इसकी साधना करते हैं वो, तो ये लेखन की प्रतिभा उनके अंदर पहले से आती है। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, श्रेष्ठ उनकी बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कई लोगों को योग सिद्धि प्राप्त होती है, कई लोगों को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस आधार पर ये जो फलश्रुतियां बताई गई है, आप इसको समझ सकते हैं कि इन 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 चक्रों पर थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा बहुत इनकी इस क्षेत्र की प्राण ऊर्जा बढ़ी हुई है, इसलिए इनके अंदर ये क्वालिटी है। तो हम साधना करके भी इन चीजों को जगा सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको चक्र समझ में आए, बताइए। यस मैम, काफी हद तक क्लियर हुआ। मैम अब देखो ये मैंने देखो इसका चित्र बनाया अलग अलग, जैसे ये मूलाधार का चित्र, तो ये मूलाधार हमें ऐसा लग रहा है कि सांप है, लेकिन सांप का मतलब सांप नहीं है, वही चीज है कि वो ये इधर आकर के और इस कुंडलिनी रूप में इस तरह से ऊर्जा है। सांप को यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि कोई जैसे सांप होता है इतना फास्टली चलता है, इतना फास्ट भागता है, इतना एनर्जेटिक होता है, तो इसलिए इस तरीके को एक इमेजिनेशन बताया गया है कि ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कितनी फास्ट भागती है। आप देखेंगे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कुंडलिनी में कि जो प्रकाश की गति हम लोगों को पता है, जो फिजिक्स वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि प्रकाश की गति कितनी तेज होती है, मतलब कितने विद इन सम सेकेंड, और सूर्य का प्रकाश भी इस पृथ्वी पर आ जाता है, उस प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा गति होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति की, और उस प्रकाश की ऊर्जा से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति की। तो इसलिए ये बात बताई गई है कि सांप की तरह, सांप को पटारी में बैठा है और आप उसको थोड़ा सा कुछ करते हैं, टच करते हैं, तो वो फुफकार मान करके ऊपर उठ जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक इमेजिनेशन टाइप का बताया गया है कि आप जब विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं तो ये जागृत होकर के, ये ऊर्जा जागृत होकर के और एक सर्पाकार चाल में, सर्प की चाल में आगे बढ़ती है, इसलिए ये इमेजिनेशन बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, जिसमें ये इसके बीज मंत्र के रूप में बताए गए हैं, ये दल बताए गए हैं, ये इसका
आकृति बताई गई है ना, ये इसका मंत्र बताया गया है। उसी तरह से मणिपुर चक्र को भी मैंने लिया, मणिपुर चक्र है ये, आज्ञा अनाहत चक्र है ये, विशुद्धि चक्र है और ये आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र में हमने देखा था ना कि ओम ही ध्वनि बजती है और ये दो इसके दल होते हैं, त्रिकोण इसकी आकृति होती है इस तरीके से, और ये सहस्रार को आप देख पा रहे हैं, सहस्रार इस तरह से, ठीक है। तो ये सहस्रार चक्र। अब हम देखेंगे इसमें कुंडलिनी, कुंडली क्या होती है। वैसे आपको काफी हद तक कुंडली समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा समझने के लिए कि संस्कृत में कुंडल शब्द का अर्थ होता है घेरा बनाए। तो यहाँ पर हमने इसको कुंडलिनी क्यों कहा, क्योंकि ये घेरा बनाए बैठी हुई है, इसलिए कुंडली कुंडलिनी हमने इसको कहा। और अधिक समझाने के लिए इसमें कहा कि कुंडलिनी शब्द का धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है कोई गहरा स्थान, कोई छेद या गड्ढा। जैसे हवन के लिए जहाँ आग जलाते हैं उसे भी कुंड कहते हैं। योगियों के अनुसार कुंडलिनी शब्द का तात्पर उस शक्ति से है जो गुप्त एवं निष्क्रिय अवस्था में है, किंतु उस शक्ति के जागृत होने पर उसे अपनी अनुभूति के आधार पर ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अन्य किसी भी नाम से जाना जा सकता है। यानी कि ये जो कुंडलिनी है, ये हमारे अंदर ये कैसी है, एक एक गहरा स्थान है, एक गहरा स्थान है, एक गड्ढा जैसा स्थान है। मतलब जो गहरा स्थान होता है उसमें गहराई ज्यादा होती है। समुद्र के अंदर गहराई में कितने बड़े बड़े रत्न बताए गए हैं, ऐसे ही हमारी पर्सनालिटी में, एक इस तरह से बताया गया है कि ये हमारी पर्सनालिटी का सबसे गहरा स्थान है, जहाँ पर सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा स्थित होती है। तो एक इस तरह से ये पर्सोनिफाई करके ये बात बताई गई है कि कुंडलिनी हम इसको ऐसा क्यों कहते हैं। ध्यान के द्वारा चक्रों का हम जागरण कर पाते हैं, ये अलग ही नहीं। कुंडलिनी की परिभाषा, जैसे आपके जो हठ योगी ग्रंथ है, जैसे हठ प्रदीपिका है, तो हठ प्रदीपिका का जो तीसरा अध्याय है, उसका तीसरा जो उपदेश है, उसके पहले नंबर के श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार सर्पों के स्वामी शेषनाग पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी कुंडलिनी है। जैसे कि हम लोगों का ये इमेजिनेशन होता है ना कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरातल है, इस पृथ्वी को शेष नाग अपने उस पर क्या बोलते हैं उसको, फन पर, और इस पृथ्वी को धारण किए हुए। और ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसको एक शेष नाग धारण किए हुए है। तो ऐसे जो इमेजिनेशन है उसके आधार पर ये बताया गया है कि जैसे हम ऐसा सोचते हैं कि सर्पों के स्वामी शेष नाग इस संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, संपूर्ण पृथ्वी का आधार है, उसी तरीके से जितने प्रकार के योग हैं, यानी कि हमने ये देखा कि जब हम लोग राजयोग करते हैं या ज्ञान योग करते हैं या कोई भी योग करते हैं, तो हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो होते यही है। ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा घनीभूत होती है, प्राण बढ़ता है, यही सब होता है। और इसमें इसमें यही सब हो रहे हैं कि हमारे अंदर के ये चक्र जागृत हो रहे हैं, कुंडलिनी जागृत हो रही है। अब इनको किसी ने देखा तो है नहीं, इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इमेजिनेशन किया। जैसे कि मान लीजिए पातंजलि योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि ने महसूस किया, उन्होंने ये कहा कि इस स्टेज तक तर्क वितर्क चलते हैं, इस स्टेज तक ये होता है। उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि वो मन को महत्व दे रहे हैं। तो मन में जो चीजें चल रही हैं, मन में जो गतिविधियां समझ में आ रही हैं, वो उन चीजों के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन परिवर्तन वही हो रहा है कि जैसे जैसे आपका मन शुद्ध हो रहा है, आपका ऊर्जा उद्गमित हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। अब यहाँ पर हठ योग में शरीर से संबंधित है, इसमें शरीर को तपाया जाता है, शरीर को कष्ट दिया जाता है। और शरीर जब तपता है तो उसके जस्ट अंदर जो इसके सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी का जो इमेजिनेशन किया गया है, उसमें भी वैसी ही चीजें बताई गई हैं कि जैसे आपका एक हाथ है, आपकी सटल बॉडी का भी वैसे ही हाथ है, आपका मुंह है, आपकी सूक्ष्म शरीर का भी वैसे ही मुंह है। तो आप ऐसे समझिए जैसे जो आपकी परछाई दिखाई दे रही है, उसी तरह की इमेजिनेशन उन्होंने किया है कि आपका सूक्ष्म शरीर है। तो उस सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पर इन्होंने ये सब बताया कि ये कुंडलिनी बढ़ती है, नाड़ियां प्रवाहित होती है, ये सारी। तो ऐसे ही होता सभी में, सभी प्रकार के योगों का जो आधार है, जो परिवर्तन है, वो इसी तरह से हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि संपूर्ण तंत्रों का आधार जो है वो कुंडलिनी है। आगे कहते हैं कि कुंडलिनी सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली है, जब वो चलती है तो उसकी जो गति है वो कैसी होती है, इसी तरीके से सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली होती है, इसीलिए इसको कुंडलिनी कहा है। क्योंकि सर्प जो है जब वो चलता सर्प जब चलता है तो इसी तरह से जिगजैग वे में चलता है, सीधा सीधा नहीं चलता है। तो कुंडलिनी की भी जब जागृति होती तो इसी तरह से चलती है, इसलिए इसको कुंडलिनी
कुंडलिनी के रूप में कुंडलाकार कहा गया है। साधारण अवस्था में कुंडली सोई हुई अवस्था में रहती है तथा सुषुम्ना के मुख को बंद किए हुए रहती है। इसका उदाहरण एक ऐसी सर्पणियों के समान दिया जा सकता है जो 3.5 लपेटे खाए हुए अपनी पूंछ को मुंह में दबाए शंकु के आकार में सो रही है। यह इतनी सूक्ष्म है, इसको स्थूल आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल योगाभ्यास के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। योगियों का कहना है कि इसका रंग लाल है और यह विद्युत के कणों से भरी हुई है। जैसे विद्युत के कणों में ऊर्जा को महसूस किया जाता है, उसी तरह से समझ दीजिए कि ऊर्जा ही एक तरीके से विद्युत के कणों के रूप में इसको महसूस किया गया है। योग विज्ञान जो बुक है उसमें कहा गया है कि कुंडली सारे संसार की आधारभूत तथा मानव शरीर में स्थित जीवन अग्नि है। शास्त्रों में इसे ब्राह्मी शक्ति कहा गया है। यह शक्ति जीव के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। जब तक ये बंधी है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है मूलाधार चक्र। और जब हम सांसारिक होते हैं, जब हम काम वासना में बंधे रहते हैं, जब हम कामनाओं में लगे रहते हैं, अपनी वासना को तृप्त करने में लगे रहते हैं, तो ये ऊर्जा निम्नगामी होती है, नीचे की तरफ जा रही है, इसका क्षरण हो रहा है ना। और जब हम ऊर्ध्वगामी होते हैं, जब हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारे जो वैदिक वेद हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो उपाय बताए गए हैं, जब हम उनका पालन करते हैं, तो क्या होता है कि यही ऊर्जा ऊर्ध्वगमित हो जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जब ये ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो यही शक्ति जीव के बंधन का कारण है और यही मोक्ष का भी कारण है। जैसे मन को कहा ना, मन बंधन का कारण है, मन मोक्ष का कारण है, उसी तरह से हठ योगिक सिद्धांत के अंतर्गत कुंडलिनी शक्ति को कहा यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। जब तक हम इसको नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो हम सांसारिक होते चले जाते हैं और संसार में जीते रहते हैं, इसलिए हमें बंधन में जाते हैं। एक मैडम ब्लेटेवस की हुई हुई है, जो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही बड़ी तपस्वी रही है। और इस तपस्या के आधार पर कई लोगों का तो ये मानना है कि उनकी भी कुंडलिनी जागृत थी। तो उस आधार पर उन्होंने बताया कि कुंडलिनी विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति है जो स्थूल बिजली की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। देखिए कि जो बाहर जो लाइटिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हम देख रहे हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसकी चाल सर्प की चाल की तरह टेढ़ी होती है, इसीलिए इसको सर्पाकार कहते हैं, इसको सर्पेंट पावर कहा जाता है, सर्पाकार कहते हैं। इसकी गति कितनी बताई गई है कि प्रकाश 1,85,000 मील प्रति सेकंड से चलता है ना। और इसकी कुंडलिनी की गति तो कितनी हो गई है, 3,45,000, मतलब उससे कई लाख गुना ज्यादा, 2 लाख गुना या 1.5 लाख गुना, इस तरह से इतनी ज्यादा। तो प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा इसकी गति है, कई गुना ज्यादा इसकी गति है, ऐसा बताया है। कुंडली की अवधारणा वही चीज है जो ऊपर बताया है कि कुंडलिनी इस तरह से है। परमाणु से लेकर ग्रह, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं तक इसी की परिभ्रमण परक है। आत्मा का परिभ्रमण भी कुछ इसी तरह से कुंडलिनी सृष्टि संदर्भ में समष्टि और जीव संदर्भ में शक्ति संचार करती है। सृष्टि संदर्भ में हम देखें तो एक एक विश्व ब्रह्मांड में जो कार्य कर रही है जो चेतना, वो भी एक कुंडलिनी शक्ति के रूप में है। और अगर हम अपने अंदर के रूप में देखें तो हमारे अंदर जो आत्म तत्व जो कार्य कर रहा है, आत्मा जो है जीव के रूप में जो हम जीवन प्राप्त किए हुए हैं, वो भी कुंडलिनी शक्ति का ही संचार है, उसी का प्राण है हमारे अंदर। उपनिषदों में भी कुंडलिनी शक्ति की चर्चा हुई है। आप लोग अगर उपनिषद पढ़ेंगे, या शायद आप लोगों के में नहीं होगा, तो एक कठोपनिषद आता है, उसमें यम नचिकेता संवाद आता है और उसमें पंचाग्नि विद्या की चर्चा की गई है। बहुत प्रसिद्ध टॉपिक है ये, तो पंचाग्नि विद्या। तो उस पंचाग्नि विद्या में बहुत ऐसे ऐसे रहस्य बताए गए हैं और ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके आधार पर हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं। तो वो सब के अंतर्गत कुंडलिनी शक्ति की ही चर्चा की गई है। श्वेता स्वतर उपनिषद में से योगाग्नि कहा है। सर जॉन वुड्रिप सरीखे, जॉन वुड्रिप भी एक तत्वदर्शी हुए हैं, उन्होंने इसे सरपेंट पावर कहा है। मैडम ब्लेटिवस्की ने इसे कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी कहा है। ईसाई परंपरा में, बाइबल में भी इसे साधकों का पथ कहा या स्वर्ग का रास्ता कहा गया है। इस तरह से इन सभी का सार यही है कि आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी होता है वही कुंडलिनी जागरण से ही संबंधित है। किसी भी प्रकार की योग साधना का सार कुंडलिनी शक्ति का जागरण ही है। हालांकि ये बहुत दुष्कर है, इसको जगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन देखिए केवल इसको जगाना ही, अगर आप कर्मयोग का पालन करते हैं, अगर आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो भी इसका प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ रहा है। अगर आप भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, आप भगवत भक्ति भाव से जीवन जी रहे हैं, आप एक शांत और स्थिर जीवन की कामना कर रहे हैं, आप एक अच्छे
प्राणी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत ऐसा कह सकते हैं कि आप विचित्त से एकाग्र अवस्था में जा रहे हैं या चित्त से विक्षिप्त अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पे भी आपकी कुंडलिनी शक्ति और चक्र ही प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके लिए ये तो खैर एक अलग उपाय है हठ योग साधना का, कि आप गहरी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। कुछ अलग टाइप की तांत्रिक साधनाएं भी बताई गई है, जैसे हठ योग प्रदीपिका है, चूंकि वो तंत्र साधना से ही निकली है, तो उसमें जैसे कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं बताई गई है, शक्ति चालनी मुद्रा, वज्रौली मुद्रा, सहजौली मुद्रा, तो ये विशेष प्रकार की साधना है। तो इनसे क्या होता है कि इनसे इसकी गति जल्दी होती है और ये तेजी से जागरण होता है। लेकिन अगर हम लाइफ में अपने छोटे छोटे काम भी करते हैं, छोटे छोटे कामों में भी ईमानदारी से जीते हैं, अच्छे से करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, नियमित योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं, तो भी आप ऐसा समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे चक्र और हमारी कुंडलिनी शक्ति से प्रभावित हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई लोगों की जन्मजात कुंडली जागरण होती है, जैसे कि पूर्व जन्म में जो साधना की है तो उस साधना के अकॉर्डिंग इस जन्म में उनकी कुंडली जागृत होती है। कई लोग मंत्र द्वारा जागरण करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि हर चक्र की जागृत करने का भी एक अलग अलग मंत्र होता है, तो आप जिस चक्र को जागृत करना चाहते हैं उस तरीके के मंत्र का उच्चारण अगर हम करते हैं तो इंडिविजुअल चक्र भी जागृत होता है। तपस्या द्वारा तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। जड़ी बूटियों द्वारा जागरण, जैसा कि हमने आपको बताया था कल कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो सिद्धियां हैं वो केवल एक ही प्रकार की नहीं होती है, वो कई प्रकार की होती है। जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, औषधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, तो उसी आधार पर कहा है कि जड़ी बूटियों द्वारा भी, जड़ी बूटियों से भी हमारा जो अंदर का सिस्टम है, जैसे कि आप देखेंगे कि इस सृष्टि में जो भी ऐसे काम जिनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, उनमें दो चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। उसी तरह से हमारे जीवन का भी एक हार्डवेयर मतलब हमारा शरीर है और सॉफ्टवेयर मतलब हमारा ये स्पिरिचुअल बॉडी है। तो ये स्पिरिचुअल बॉडी को कई तरीके से चेंज किया जा सकता है, ये सॉफ्टवेयर को कई तरह से बदला जा सकता है। तो इन इन आध्यात्मिक साधनाओं में मतलब योग में आप ऐसे समझिए कि सॉफ्टवेयर को पूरा ही बदल दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बदलने के जो अलग अलग प्रोग्राम बताए हैं कि तपस्या द्वारा, जड़ी बूटियों द्वारा, राजयोग साधना द्वारा, जो अभी हमने आपको बताया था कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था धारणा ध्यान समाधि, वो राजयोग है। तो राजयोग भी अगर हम राजयोग के पथ पर भी अगर हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये प्राणिक शरीर ही प्रभावित हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे चक्र और कुंडलिनी प्रभावित हो रही है। प्राणायाम द्वारा, प्राणायाम तो हठ योग में प्रमुख बताया ही गया है। क्रिया योग द्वारा, तांत्रिक दीक्षा द्वारा मतलब तांत्रिक साधनाओं द्वारा, शक्तिपात द्वारा, किसी एक गुरु में अगर उसने साधना की है, उसके अंदर ही पावर है, तो वो उसके अंदर ही पावर होती है कि वो किसी भी शिष्य को शक्तिपात करके उसकी शक्तियों का जागरण कर सकता है। जैसे आपने कई बार उदाहरण पढ़ा होगा कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे को और विवेकानंद के मस्तिष्क पर टच किया और वो बेहोश हो गए, वो समाधि में चले गए। तो ये क्या है कि वो उस समय को शक्तिपात कर देते थे, तो वो अपने अंदर की शक्तियों को समझ पाते थे। और आत्मसमर्पण द्वारा, आत्मसमर्पण मतलब समाधि द्वारा, आत्मसमर्पण का मतलब यहाँ पर है समाधि द्वारा, तो समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, ये अलग अलग तरीके से प्राप्त होने वाली सिद्धियां बताई गई। तो ये इसकी इमेज भी आपको मैंने सारी दिखा दी है, ये इस तरह से है। और लास्ट में जब हमारी कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है कि पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ऊर्जा है और हमारे अंदर की ऊर्जा है वो एकाकार हो जाती है, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है और हमें मोक्ष प्राप्त होता है, जीवन का जो उद्देश्य है हमें वो प्राप्त हो जाता है।